सभी से सादर जय जिनेन्द्र। रत्न संघ युवती मंडल जयपुर आप सबको आज के स्पेशल सेशन ऑन बस्टिंग द मिथ्स ऑफ आयुर्वेदा में वेलकम करता है। शुरू करते हैं नवकार मंत्र से, जो आज प्रेजेंट करेंगी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अमायरा। अमायरा आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू अमायरा, वेरी स्वीट। आयुर्वेदा ये टर्म हमने कई बार अपनी नानी, अपनी दादी, अपने घर वालों से सुना होगा और उनके घर के नुस्खे अपनाए भी होंगे, लेकिन क्या हमने कभी ये ध्यान दिया कि नुस्खे क्या उनके बनाए हुए हैं? नहीं, बल्कि ये एक हजारों साल पुरानी विज्ञान आयुर्वेदा के दिए हुए हैं और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं करोड़ों बार। पर क्योंकि आयुर्वेदा मेडिसिन्स, जिन्हें हम जड़ी बूटी भी कहते हैं, कोई फैंसी पैकिंग में नहीं आती, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिलती और ना ही एक्सपेंसिव होती हैं, ना उनका कोई फैंसी एडवर्टाइजमेंट होता है, इसलिए हम शायद इन पे इतना विश्वास नहीं करते और हम भूल जाते हैं लेकिन कि यही वो दवाइयां हैं जो बीमारी को जड़ से निकालती हैं। यही वो दवाइयां हैं जिनको लेने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इनफैक्ट मल्टीपल साइड बेनिफिट्स होते हैं। और यही वो दवाइयां हैं जो अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को, अपने जितनी तकलीफें हैं उनको ध्यान रखते हुए जो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं वो हमारे लिए पर्सनलाइज्ड होती है, हमारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्यूरेट की जाती हैं। और अभी तो हम सब जानते हैं ज़माना ही पर्सनलाइजेशन और क्यूरेशन का है, तो फिर हेल्थ के लिए क्यों नहीं? हेल्थ तो हम सब पिछले एक साल में अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि पहला सुख तो निरोगी काया ही है। आयुर्वेदा यही नहीं रुकता, वो हमारे फिजिकल हेल्थ के अलावा हमारे माइंड और स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करता है। अब पॉपुलर हुआ है वेस्टर्न मीडिया से फूड एज मेडिसिन, जो आयुर्वेदा शुरुआत से ही बताता आया है। जड़ी बूटियों के कितने कितने अनेकों गुण होते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी ठीक कर देता है। अगर आपने आज हमारे जो स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ था शी इज अ कोमा एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। जी हाँ, ऐसी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं आयुर्वेदा से। So let me introduce our speaker for today. She is a young, dynamic, vivacious, very proficient and learned, Pooja Ji Shah. वो नाड़ी यानी हमारी पल्स देखकर आपके सारे हेल्थ इश्यूज, नए पुराने सब बता सकती हैं। बेसिकली वो एक चलती फिरती MRI, CT स्कैन या कह सकते हैं ब्लड टेस्ट मशीन है, जहाँ स्टूडेंट्स चूज करते हैं बैचलर्स के सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी। आपने चूज किया बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। नॉट ओनली इज दैट ग्रेट एज अ प्रोफेशन, बट इसके थ्रू शी इज एबल टू सर्व द सोसाइटी, टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एंड डायरेक्टली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ये पिछले 10 साल में 4 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैंडल कर चुकी हैं और इनका गोल है to be able to touch 1,000 lives in a day. Just imagine, to better the lives of 1,000 people in a day. How compassionate. This is what I meant by dynamic. इन्होंने अपनी ट्रेनिंग गुरुजी भास्कर भाई हरिकर जी से अहमदाबाद में ली एंड वो ऑनररी सर्विसेज देती आई हैं तेरा पंथ आयुर्वेदिक औषधालय में। शी इज नॉट जस्ट अ वैद्य बट अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। इन्होंने ग्रेजुएट किया है भारतनाट्यम में और उपांत्य विशरद इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। शी इज ऑल्सो अ चैम्पियन इन क्लासिकल सिंगिंग, सो यू कैन सी हाउ डायनामिक शी इज। तो चलिए
without taking any more time, I would like to just quickly mention, sab log ek pen aur paper zarur handy rakhein, kyunki ye jo tips hame dengi, ye hamare aage bhi kaam aa sakti hain. Aur jo women ye session attend kar rahi hain, please be very alert, because apne ghar ki kitchen primarily hum handle karte hain. Hum responsible hote hain family ki habits, eating habits form aur develop karne mein. तो जो कॉम्बिनेशंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो आगे तक चलते हैं. तो आज हम बहुत सारे विपरीत आहार, क्या सही है क्या नहीं वो सब समझेंगे. सो विदाउट एनी मोर अडू, ओवर टू यू पूजा जी. नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम. आयुर्वेद के बारे में आप कितना जानते हैं मैं नहीं पूछूंगी, बिकॉज ये सेमिनार 1.5 घंटे का ही. बट आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ. सो जहां हम साइंस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यह है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य चिकित्सा, यानी जो मेंटेन द हेल्थ ऑफ द हेल्दी. एंड सेकेंड उद्देश्य जो है, सेकेंड मोटो ऑफ आयुर्वेद इज ट्रीट द इल. आज अपने बात करेंगे कि अपनी हेल्दी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सके, उसके बाद आती है चिकित्सा. सो आपको वैद्य के पास आना ही ना पड़े. आपका रूटीन, आपका खान पान, आपका रहनी करनी ऐसी हो कि आपको कोई वैद्य के पास जाना ना पड़े, उसके लिए आज ये सेशन है. आयुर्वेद में जब स्वस्थ व्रत की बात होती है, तब सबसे पहले दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या की बात होती है. दिनचर्या क्योंकि ये युवती मंडल है, जैनों का एक मंडल है. आप जानते ही होंगे, जैन धर्म के बेसिक से आप सभी वाकिफ होंगे. इसमें जो सबसे पहला आयुर्वेद बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है. दिट इज 96 मिनट्स, मिनिमम 96 मिनट्स बिफोर सनराइज. तो अगर आपके घर, आपके यहाँ पे 6:30 बजे सूर्योदय होता है तो 5 बजे उठना है, 6 बजे सूर्योदय होता है तो 4:30 उठ जाना है. सबसे पहला ये काम करना है. उठ के क्या क्या करना है, आयुर्वेद ऐसा बताता है कि सुबह सबसे पहले आपको पानी पीना है. तो आपकी सुबह पे पानी नहीं पीना है. अगर आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हो तब पानी नहीं पीना है. आयुर्वेद की सुबह मीन्स ब्रह्म मुहूर्त, जो रात को एक ग्लास जितना पानी तांबे के बर्तन में रख के सुबह अर्ली मॉर्निंग छान के वो पानी आपको पीना है, एक ग्लास. क्योंकि बाद में जब सूर्योदय होगा, उसके बाद लोग नौकारसी का पचकान करते हैं, जो करते हैं, तो तब आप, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि सूर्योदय से एक घंटे 48 मिनट तक, 2 घड़ी तक आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं. तो जब आप, जब सूर्योदय जैसे जैसे उगता है वैसे अपने पेट की अग्नि, शरीर में, जब शरीर का बंधारण, आयुर्वेद स्वस्थ की जो भाषा बोलता है उसमें लिखता है, बोलता है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते. यानी जिसके दोष सम है, वात पित्त और कफ जिसका सम है, तीन दोष, समदोष समाग्निश्च, जिसकी अग्नि सम है, यानी बहुत क्रूर अग्नि भी नहीं है, बहुत मृदु अग्नि भी नहीं है, जो जो खाता है वो पचा पाता है. समदोष समाग्निश्च समधातु, 7 धातु के बारे में आयुर्वेद बताता है. यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र. जो आप खाते हो उससे, जो फूड आप इंटेक करते हो, जो खाना आप खाते हो उससे रस बनता है. हेलो, एम आई ऑडिबल? जो खाना आप खाते हो उससे रस बनता है. रस के आगे रक्त बनता है, ब्लड. रस के आगे रक्त बनता है, रक्त के आगे मांस, फिर रस, रक्त, मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और जेंट्स में शुक्र और लेडीज में आर्तव, यानी और मेंस्ट्रुअल ब्लड, योर मेंस्ट्रुएशन, जेंट्स में ये चीज शुक्र. तो समदोष, समाग्नि, समधातु, 7 धातु के बारे में मैंने आपको बताया. समधातु, मल क्रिया, यानी 3 मल, आयुर्वेद में 3 मलों की बात की गई है. जो आपका स्वेद है, पुरुष है और मूत्र है, यानी योर फीसेस, योर स्वेट एंड योर यूरिनेशन. तो ये तीनों भी सम होने चाहिए.
यानी पेट साफ बराबर होना चाहिए, यूरिन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और आपको स्वेट साइकिल भी नॉर्मल होना चाहिए। सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन, आपका आत्मा प्रसन्न रहे, आपकी इंद्रिय, इंद्रिय आयुर्वेद में दो तरह की बोली गई हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय का तो सबको आइडिया है ही, सुनना, कान से हम सुनते हैं। जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है उसके अलावा 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर जो चीजों से एक्टिविटी होती है। तो आपकी सारी इंद्रिय प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन, मन भी प्रसन्न होता है, स्वस्थ इत्यभि दीयते। जब आत्मा शरीर मन इतनी चीजें प्रसन्न रहेगी तब आदमी स्वस्थ रहेगा। तो जो दिनचर्या की मैं बात कर रही हूँ, दिनचर्या रात्रिचर्या और ऋतुचर्या अगर आप बराबर मेंटेन करते हैं तो ये समदोष समाग्नि और सम धातु सम मल क्रिया इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। अगर ये चीज मेंटेन है तो रोग आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि तांबे के पानी में, तांबे के ग्लास में 1 ग्लास जितना पानी रखा हुआ सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में पीना है। उसके बाद आपकी दैनंदिन क्रिया पेट साफ होना, कोई लोग कवल गंडूष दंत धावन वो सब करते हैं। उसके बाद आता है आपका ध्यान धारणा प्राणायाम, यानी सबसे सुबह का काल जो है, सुबह उठ के जल्दी उठ के करना क्या, लोग पूछते हैं कि 4:30 उठ के हम करें क्या। तो जैन लोग कोई प्रतिक्रमण करता है, कोई सामायिक करता है, कोई मेडिटेशन करता है, आपको दैट इज द टाइम टू बी विथ योर सेल्फ। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट देन योर इन दैट एज आपकी, आपका काम है पढ़ना, तो उस टाइम पे आपको पढ़ना है। इफ यू आर अ हाउस वाइफ देन पूरे दिन आप बिजी हो, सो दैट इज योर टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपको क्या करना है, आप दिन भर क्या करने वाले हो। तो वो जो सेल्फ जो टाइम है खुद को देने का, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देना चाहिए। तब धर्म की पढ़ाई करना या वो भी जो स्पिरिचुअल थिंग्स है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह फर्स्ट थिंग करनी है। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट योर डे विथ अभ्यंग। योर अभ्यंग मीन्स अभिअंग, आपके अंगों के नजीक जाना। जैसे सुबह उठ के आपने मन का वार्म अप सबसे पहले किया, पानी पी के आप आपकी माला गिनने लगे या आपके प्रतिक्रमण में चले गए या आपका प्राणायाम कर रहे हो, जो भी मन को आप पहले एक्टिवेट कर रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उस टाइम पे पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपने मन का, मन को वार्म अप किया है, उसके मन और आत्मा की प्रसन्नता की। उसके बाद आपको अभ्यंग, देन यू हैव टू वार्म अप योर बॉडी। यानी यहाँ अभ्यंग डजंट मीन आप सुबह सुबह मालिश करने बैठ जाओ, हियर इट मीन्स टच ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो आयुर्वेद अभ्यंग को तेल से अभ्यंग करने को बोलता है, जहां जहां आयुर्वेद में तेल का वर्णन है, तैलात अभ्यंगम, तेल से अभ्यंग करना है, पर वहां वहां तिल के तेल को मानना है। सीजन्स में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तेलों का वर्णन है, बट कैजुअल नॉर्मल जब अभ्यंग करना है तो सादा तिल का तेल। तिल के तेल में भी दो आते हैं, काले तिल का तेल और सफेद तिल का तेल। काले के तिल का तेल बालों के लिए है, मेहरबानी करके उसको शरीर पर ना लगाएं, आपका शरीर की काया काली होती जाएगी। तो जब आपको अभ्यंग के लिए जो तेल यूज करना है, हैज टू बी व्हाइट सेसमी ऑयल, नॉट ब्लैक। खाने के लिए या फिर बालों में लगाने के लिए काला तिल्ली का तेल, शरीर में लगाने के लिए सफेद तिल का तेल। कई लोगों को, कोई लोग मुझे बोलते हैं कि तिल के तेल से एलर्जी है या तो आप गर्मी के सीजन में नारियल तेल यूज कर सकते हैं, ठंडी की सीजन में सरसों तेल यूज करते हैं। कोई भी आप तेल का मीडियम यूज करें, बट मेक श्योर वो तेल नॉन रिफाइंड और कच्ची घानी का हो, वर्जिन, जो आजकल जो वर्जिन तेल बोलते हैं वो ही होना चाहिए, दैट इज रियल तेल। तो तेल लगाना है यानी करना क्या, बैठ के मालिश करते रहना ऐसा नहीं है। यू जस्ट अप्लाई ऑयल ऑन योर होल बॉडी विथ सॉफ्ट हैंड्स, सो दैट योर होल बॉडी इज एक्टिवेटेड। उसमें भी आयुर्वेद में 3 जगह सबसे ज्यादा ध्यान देने बोला है, सिर पे, हथेली पे, पगथली पे और कान पे। उसका रीजन ये है कि जैसे अगर आपने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोग या कई भी बारे में सुना है, तो ये इन जगह पे विशेष प्राण रहे हैं। तो अगर आप तेल हाथ से लगाओगे तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर या सुजोग वाला बोलता है कि पूरे बॉडी के पॉइंट्स हाथ में है। तो अगर हाथ से तेल लगाया तो पूरे बॉडी को ऐसे भी आपने स्टिम्युलेट कर दिया। दूसरा, जो अगर सिर पे, तो स्पेशली आप ब्रह्मरंध्र को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, आपके ब्रह्म कमल को, सहस्त्र कमल को आप एक्टिवेट कर रहे हो जब आप माथे पे तेल लगा रहे हो।
तीसरा जो ये आप कान की जो आप जो पोजीशन देख रहे हो, दैट इज योर पोजीशन जब आप माँ के पेट में एज एन एम्ब्रियो जब आप थे, तो जो बच्चा कर्व करके रहता है हेड डाउन पोजीशन में, वैसे ही आपका कान का वर्ण, कान का आपकी बॉडी में कान का फॉर्मेशन सेम वे है. सो व्हेन यू आर स्टिम्युलेटिंग, आपके कान की बूट को आप स्टिम्युलेट कर रहे हो, यू आर स्टिम्युलेटिंग योर होल बॉडी. तो एक कान पे तेल लगाना आयुर्वेद रोज बोलता है, यू कैन जस्ट स्टिम्युलेट योर और सारे छिद्रों पे तेल लगाना है. हियर व्हेन आई से सब छिद्रों पे, तो कान में आप तेल डालते हैं, नाक में आप घी लगाते हैं या कैस्टर ऑयल लगाते हैं, बेली बटन में आप या तो तेल डालते हैं, आईज में तेल नहीं डालते हैं. आईज के लिए हम रेगुलर आई वॉश करते हैं, बट उन छिद्रों को मेंटेन करते हैं. मुंह में भी तेल का कवल गंडुश जो है, तेल ऑयल पुलिंग करके आयुर्वेद में बताया है, जब मुंह तेल भर के मुंह में उसको चबाना है, सिर्फ च्यू करना है, गार्गल करना है और तेल के कुल्ले करने हैं, दैट इज फॉर योर ओरल कैविटी. तो ये एक ऑयल पुलिंग करके आयुर्वेद में एक विधान है, जब आप दंत मंजन कर दो उसके बाद तेल का कुल्ला करते हैं, उससे आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं और वो एक तेल ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है दैट थ्रू आउट द डे जब आप खाना खाते रहते हो, तो जो फूड लॉजिंग जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैविटीज हो रहे हैं, क्योंकि आपके वो तेल जो है एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर बनाता है ताकि दिन भर का आपका खाया भी रात में आपने कुल्ला कर लिया तो वो अंदर कैविटी को बैक्टीरिया को या ऑर्गेनिज्म को सड़ने ही नहीं देगा, वहां लॉज होने ही नहीं देगा. तो ये ऑयल पुलिंग जो है, पहले लोग दंत मंजन दातून करने के बाद तेल के गंडुश जरूर करते थे, जो आज के दिन में ये प्रणाली खत्म हो रही है. इसका एक और अगर बच्चे हैं और आप ये नहीं कर पा रहे हो, उनको सिखा नहीं पा रहे हो, तो छोटा थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच तिल्ली का तेल लेके उसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाइए और वो आप बच्चों को सिखाइए, अंगुली से ही पूरे गम्स पे और टीथ पे अच्छे से घिस के 2-5 मिनट घिस के फिर नॉर्मल वाटर से कुल्ला कर ले, सो दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ, फैमिलीज डेंटल हेल्थ, सो दैट आगे प्रॉब्लम ही ना हो. अभ्यंग के बाद आयुर्वेद बताता है, वंस यू हैव अप्लाइड ऑयल ऑन योर बॉडी, उसके बाद आयुर्वेद बताता है व्यायाम करने को. नाउ पीपल टुडे डू एक्सरसाइज एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, आयुर्वेद में जब व्यायाम की बात है तो वो सुबह ही बात है, सूर्योदय के समय, जस्ट सूर्योदय के पहले या जस्ट सूर्योदय के समय व्यायाम की बात है, और अभ्यंग करके व्यायाम करना है. इसका रीजन ये है कि आपके जो बोन्स है, जो जॉइंट है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप उसको आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो तेल लगा के जब उसको स्ट्रेंथन करते हो, पहले के जमाने में जो कुश्ती वाले थे, जो मल करते थे, वो सब तेल लगा के फिर कुश्ती करते थे, तो कितनी भी कुश्ती करते थे उसका नुकसान शरीर को नहीं होता था, उसका फायदा शरीर को होता था. तो इफ यू आर यूजिंग योर बोन्स, यू हैव टू मेक देम स्ट्रांग. आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके शरीर की मसल को एक्सरसाइज कर रहे हो, बोन्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पहले तेल लगा के फिर एक्सरसाइज करना है. पर एक्सरसाइज कितना करना है, व्यायाम 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, कोई मुझे बोलता है मैं 1.5 घंटा चलती हूँ, कोई बोलता है 2 घंटा चलती हूँ, बोलता है 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ. आयुर्वेद में टाइम नहीं बताया गया है, उसमें लिखा है बलार्ध व्यायाम, यानी आपके बल से आधा व्यायाम करो. व्हाट डू यू मीन बाय बलार्ध? बलार्ध का मतलब है जब आपका मुंह सूखने लगे, मुंह सूख रहा है, सांस मुंह से ले रहे हो, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो, माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए, कपाल पे पसीना पसीना छूटने लगे, अंडर आर्म्स में पसीना पसीना छूटने लगे, आपको पाल्पिटेशन होने लगे, दैट इज योर बलार्थ. तो आप मुंह सूख रहा और पानी पी के पे एक्सरसाइज चालू रख रहे हो, दैट इज रॉन्ग. कोई भी चीज आयुर्वेद ऐसा बताता है कि अभ्यास से बढ़ती है. तो अगर आपको 5 मिनट चलने में लग रहा है कि पसीना पसीना आ गया, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो आप 3 दिन तक 5 मिनट चले, उसके बाद 4th दिन पे आप 8 मिनट चलो, और 8 मिनट सो स्लोली स्लोली आपके, अब जो कुश्ती वाला है वो रोज कुश्ती 8 घंटा कुश्ती करता है, उसको कुछ नहीं होता. सो आयुर्वेद ऐसा बताता है कि आपके शरीर में आप जिस चीज का अभ्यास करते हो वो आपके लिए सुख साध्य हो जाता है, सुख साथ में हो जाता है. यानी किसी को रोज उपवास करने की आदत है, हर अल्टरनेट डे फर्शी तप वाला रोज 2 बार खा रहा है, 1 दिन नहीं खा रहा है, तो उसके शरीर को वो आदत, फर्स्ट 15 डेज 20 डेज उसको तकलीफ पड़ेगी, फिर वो आदत पड़ जाएगी.
सिमिलरली आयुर्वेद ऐसा बताता है कि सुबह ही आपको व्यायाम करना है, व्यायाम आपकी कैपेसिटी, बॉडी की व्यायाम करने की, वो आपको गेज करनी है, ओनली यू कैन गेज योर कैपेसिटी। बट आपका मुंह सूखता रहे, गला सूखता रहे, आप नाक के बजाय मुंह से सांस लेते हो पर एक घंटा चलना ही, दैट इज रॉन्ग। योर आई विल नॉट कमेंट। आयुर्वेद व्यायाम योग है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, कई तरह के व्यायाम का वर्णन करता है, पर किसके लिए क्या अच्छा वो आपका वैद्य बता सकता है। किसी के लिए कार्डियो अच्छा है, किसी के लिए फ्लोर एक्सरसाइज अच्छी है, किसी के लिए एरोबिक्स अच्छा है, बट वो आपकी प्रकृति या आपके शरीर के बंधारण के हिसाब से आपका वैद्य आपको सजेस्ट कर सकता है। बट आपकी कैपेसिटी आप खुद जानते हो, तो आप अगर 10 मिनट में थक जाते हो तो तीन दिन दिन में दो दो तीन तीन मिनट बढ़ाना है। डोंट स्टार्ट विथ 1 आवर ऑफ वर्कआउट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपके शरीर को आप धीरे धीरे ट्रेन करके वो करिए। व्यायाम के बाद आएगा स्नान। तो स्नान जब बोला है, नहाने की जब आयुर्वेद में बात की है, तब लिखा है उद्वर्तन और फिर स्नान। यहाँ पे उद्वर्तन का मतलब है, पहले के लोगों में पीठी का बहुत बड़ा ये था, शादी करे तो 8-8 दिन तक पीठी होती थी, बच्चा जन्मा तो 1-1 साल तक उसको मालिश करके पीठी करके फिर नहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का शरीर बन रहा है। क्यों? अब वो एक नेक्स्ट फेज में आ रहा है, अब शादी करेगा। सो अपने जिंदगी भर मेक आर सेल्फ स्पेशल होल लाइफ लॉन्ग। आयुर्वेद रोज उद्वर्तन करने बोलता है, यानी यू हैव टू टेक सम स्क्रब पाउडर्स। आजकल स्पा का सिस्टम है, आप स्पा जाओ, स्क्रब कराओ, बॉडी पॉलिश कराओ। आयुर्वेद तो रोज ही करने बोल रहा है, आपको उसके लिए स्पा जाने की जरूरत ही नहीं। आपका हर के बॉडी में अलग अलग, किसी को त्रिफला सूट होता है, किसी को हल्दी त्रिफला सूट होती है, किसी को सिर्फ आंवला सूट होएगा, किसी को बेसन सूट होता है, किसी को मसूर की दाल। आपके हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से एक उद्वर्तन पूछ के 12 मास आपको सिर्फ यू हैव टू स्क्रब योर बॉडी विद इट। कैन बी अ सोप, कैन बी अ वॉट एवर इट इज, बट यू हैव टू स्क्रब इट। तो उद्वर्तन का मतलब है सूखे पाउडर को लेके, कोई दूध मिलाता है, कोई मलाई मिलाता है, कोई पानी मिलाता है, उससे पूरे शरीर को स्क्रब करके फिर स्नान करना है। यानी योर यू हैव टू अंडरस्टैंड, आयुर्वेद इतना स्मार्ट है कि उसने वार्म अप और कूल डाउन दोनों डाल दिए। अब यानी जहां से पसीना निकला आपके पूरे शरीर के रोम कूपों को आपको घिस के मेक श्योर करना है कि कहीं कोई पसीना कोई गंदगी रह ही ना जाए, और उसके बाद वो ही चीज। इतनी गर्मी होती है, टू वेयर अ हेड गियर इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सन स्ट्रोक्स। तो जो लू लगती थी, जहाँ गर्मी का अपना जो भारत प्रदेश है, जो आर्य प्रदेश है, वो गर्म प्रदेश है, तो उससे बचने के लिए हेड गियर का बोला गया है। और स्त्री के लिए विशेष रूप से एक बिंदी लगाने का बोला गया है। स्त्री के लिए तो है ही, बट सबके लिए बिंदी लगाने का बोला गया है। इसका भी एक विशेष कारण है, यहाँ जो है आपका आज्ञा चक्र रहता है। तो जब आप बिंदी लगाते हो, आप मंदिर जाते हो तो भी बिंदी लगती है, घर से निकलते हो बिंदी, तो जो काम में आप, दैट इज टू एक्टिवेट योर आज्ञा चक्र सो दैट आपका फोकस लॉस ना हो। आप जो काम करने निकले हो वही काम करके वापस आओ, आप इधर उधर कुछ गड़बड़ करे बिना, आधा काम करे बिना ना आ जाओ। आयुर्वेद इसलिए बोलता था कि नाउ यू आर रेडी टू गेट इन टू योर डेली रूटीन एक्टिविटी। सो दैट इज वाई रेडी होते टाइम ही एक टीका इसलिए लगाना है कि आपका रूटीन में ही ध्यान रहे, इधर उधर ध्यान ना बिगड़े। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप बिंदी लगा के पढ़ो, टिक्की टीका करके लगाओ। अगर टीका करके मंदिर में जाते तो ध्यान सिर्फ भगवान पे होएगा और किसी पे नहीं, क्योंकि उस टाइम आपने टीकाकरण आपने एक्टिवेट कर दिया, अरे आई एम नाउ इन द टेम्पल। द मोमेंट यू विल स्टेप आउट ऑफ द टेम्पल फिर ही दुनिया के विचार आएंगे, इन द टेम्पल कोई और विचार नहीं आए। सो आयुर्वेद टीके को इसलिए इम्पोर्टेंस देता है बिकॉज वी नीड टू एक्टिवेट आर आज्ञा चक्र, की वो जो कर रहा हो 100% आपका ध्यान उसी चीज में एज अ रोल। आपका जो रोल है उस टाइम, आपका स्टूडेंट का रोल है, आपका मदर का रोल है, आपका हाउसवाइफ का रोल है, आपके ऑफिस में कोई रोल है, जो भी रोल है, आप उस रोल को उसी टाइम पूरा 100% दे के नेक्स्ट रोल कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिंदी। व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, आयुर्वेद स्पेसिफिकली सेज टू वेयर ज्वेलरी ऑन द हैंड, टू वेयर ज्वेलरी अराउंड योर, टू वेयर ज्वेलरी इन योर इयर्स, टू वेयर ज्वेलरी अराउंड योर नेक। द रीजन इज इयर्स में छिद्र है, आप समझो जो आपका ये गला है, गले के आसपास जो सोना चांदी अगर पहना, गोल्ड चांदी जो भी प्रेशियस मेटल्स है अपने, दे आर ऑल एंटी बैक्टीरियल।
एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल। तो आयुर्वेद बोलता है कि घर से बाहर आप बिना, घर पे भी, वो तो घर के बाहर नहीं, वो रोज की रूटीन में बोलता है कि यू मस्ट वेयर ज्वेलरी। दैट रीजन इज इट विल ब्यूटिफाई यू, दैट इज द सेकेंडरी रीजन। फर्स्ट रीजन इज इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आउटसाइड इन्फेक्शन। तो जब आपने जो चेन पहनी है तो गला आपका कम कम कब से कम खराब हुए? अगर आप कान के पहन रहे हो तो कान के इन्फेक्शन आपको सबसे कम लगेंगे। कान का अगर पहना हुआ है तो आपका ब्रेन दिन भर एक्टिव रहेगा। इसलिए पहले के लोग बोलते थे, पहले की मदर्स बोलते कि सुबह कान का पहनो, रात को सोते वक्त कान का निकाल के सो। उसका रीजन ये, तब नाउ यू वॉन्ट योर ब्रेन टू नॉट बी एक्टिव, टू स्लीप, टू रेस्ट। तो इसलिए रात को आप निकाल दो, सुबह आप पहन लो, नाउ यू आर एक्टिव। दिस इज बिकॉज आई सेड ये आपका हेड है, जैसे आपको बताया गया, ये आपका this is your head, fetal head. So if आपने छेद कराया है तो you are activating your brain is getting activated. तो आप जब जो कान के पहनते हो तो it stimulates your brain to work better. Similarly with your hands are ever working. कभी भी बिना free hands देखे, माला जपने में भी हाथ चाहिए। तो जो वो जो अंगूठी आप पहन रहे हो या जो आप चूड़ी पहन रहे हो, वो आपके उस organ को protect कर रहा है। इट इज प्रोटेक्टिंग। जो अगर अंगूठी पहनी है तो 10 बार 50 बार हाथ धोने नहीं पड़ेंगे, कोरोना में टेंशन नहीं करना पड़ेगा। सो यू नो दीज आर सिंपल वेरी बेसिक थिंग्स विच वी हैव फॉरगॉटन। टू गेट इन टू द नाउ आई विल स्टार्ट विद द डाइटरी रेजिमेन। जब भी मैंने आपको सुबह की दिनचर्या का बताया, दूसरा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आयुर्वेद बोलता है कि नंगे पैर घूमने की मना करता है। Always protect your feet. इसका रीजन ये है, जैसे मैंने बताया, हथेली और पगथली आपके शरीर का मैप है, जो सुजोग, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद वाले सबको ही बोलते हैं। तो आपकी पगथली को एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड की आदत, उससे बचाना है आपको। सो यू मस्ट वेयर समथिंग ऑन योर फीट, दैट इज फॉर एवरी वन। खाली एक विधान ये है कि जब आप खाने बैठे तब आपको पैर में कुछ नहीं होना चाहिए। That time it has to be openly exposed to the atmosphere. Otherwise, दिन भर जब भी आप चलते हैं, पैरों को कवर करके आपको चलना है। So, जो house slipper का concept है, तो वो house slipper it has to be done. But वो make sure करिए कि आप आयुर्वेद में कहीं पे भी रबर चप्पल नहीं था, उस time पे रबर था ही नहीं, slippers थे ही नहीं। So, if you know Osho आश्रम, if you have heard Osho's, जो दर्प की, दाब की बनी हुई, चटाई की बनी हुई चप्पलें हैं, या पहले लकड़े के चप्पल रहते थे, तो उसका रीजन था, वो जो दाब होता है वो घास में एक ऐसा बेनिफिट है कि वो आपके जो ओशोज है, जो दाब के बनी, घास की बनी, वो आपको, आप पहले के आसन भी दाब के आसन, दर्प आसन करते थे, जो लोग खाना बैठते थे तो दर्प के आसन में बैठते थे, तो वो आपको आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देते रहते हैं। दोज दैट दर्ब इज दर्ब एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सिर्फ छूने से उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहती है। तो योर इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल, यूज दर्ब चप्पल फॉर योर एवरीडे रूटीन इन योर हाउस एवरीडे। उसके आगे खाने की बात जहां आती है, आयुर्वेद बोलता है कि सूर्योदय से 48 मिनट के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, पर जैसे जो जैनों के हिसाब से जो नौकारसी का वर्णन किया गया है, तो आयुर्वेद बोलता है कि 2 घड़ी बाद बालक, वृद्ध और गर्भिणी, यानी जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, ओल्ड एज, या गर्भिणी यानी प्रेग्नेंट, इनके लिए आप अगर 48 मिनट में खाए तो चलेगा। बट उसके अलावा आपको, अगर आप जवान हैं, यू हैव नो अदर कोमॉर्बिडिटीज, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आयुर्वेद 1 प्रहर यानी 3 घंटे के बाद चर्वण की, चबाने की आज्ञा देता है। यानी अगर योर सनराइज एट 6 o'clock, तो आपको 9 बजे पहले चबाना नहीं है, नाश्ता वाश्ता करने बैठ नहीं जाना है। तो क्या 9 बजे तक भूखे रहना है? आप बोल रहे हो 4:30 उठो, 5:30 योगा करो, 5:30 और 9 बजे तक भूखे रहो, नो। आयुर्वेद से 4:30 उठ के 1 glass पानी पियो, आपकी 7 बजे नौकारसी आती है तब दूध पियो। क्यों दूध पीना है? दूध कौन सा पीना है? दूध आपको सुबह गाय का पीना है और रात को भैंस का। उसका रीजन ये है कि गाय, शादी होती गोधूली बेला, सुना है कभी गोधूली बेला? गाय सुबह सुबह होते ही चली जाती है घास चरने,
पूरे गांव में बाहर जंगल में घास वास खा के सनसेट के टाइम, वो धूली बेला जो बोलते हैं ना हिंदी में, सनसेट के टाइम गाय वापस आती है। सो सिमिलरली आपको पूरे दिन काम करना है, आफ्टर सनसेट ओनली आप रिलैक्स कर पाओगे। तो इसलिए टू बी एक्टिव द होल डे यू हैव टू हैव काउज मिल्क। गाय को कभी दिन में बैठती नहीं है, वो शाम को घर आके वापस फिर बैठ के खाना चबाती है, फिर भी वो बैठती नहीं। और भैंस है वो दिन भर पड़ी रहती है, वो अपने मस्त एकदम भैंस एकदम पानी में पड़ी रहेगी, स्विमिंग एंजॉय करेगी। तो जब आपको रात में एंजॉय करना है, सोना है, यू वॉन्ट टू रिलैक्स योर ब्रेन, तब रात को भैंस का दूध पीना है। सुबह आपको दिन भर काम करना है, भैंस का दूध पियोगे तो हो गया, फिर स्विमिंग पूल ही दिखेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे हैज टू बी काउज मिल्क, व्हेन यू एंड योर डे व्हेन यू वॉन्ट टू रिलैक्स एंड नाउ आपको भैंस की तरह पड़ा रहना है, दैट हैज टू बी भैंस का दूध। सुबह आप नौकरसी पे गाय का दूध पीजिए। व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने बोला कि आप नौकरसी पे ग्लास दूध का ग्लास पी लिया, अब लोगों को क्या है दूध नाश्ता साथ में करना है, विरुद्ध आहार समझ ही नहीं। दूध के साथ नमक विरुद्ध है, दूध के साथ फल विरुद्ध है, उसमें तीन चार फल अपवाद है। दूध केला साथ में खा सकते हैं, दूध केला, दूध सीताफल, दूध चीकू और दूध रायण। रायण करके एक छोटा सा येलो कलर का, इट्स एन इंडियन फ्रूट। तो ये दूध के साथ विरुद्ध नहीं है। बाकी के सारे फ्रूट्स, बीट मैंगो मिल्कशेक, बीट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, ये सब कोई दूध के साथ विरुद्ध है, क्योंकि कितना भी मीठा आम हो अगर उसमें थोड़ा खट्टापन, खट्टे के बाद मीठा होता है, तो वो दूध के साथ विरुद्ध करता है। इन द लॉन्ग रन ये सब विरुद्ध आहार स्किन डिजीजेस करते हैं। इसलिए आज के दिन हर चार में से एक महिला, हर चार में से एक बच्चा और हर पांच में से एक आदमी, उसको कहीं ना कहीं स्किन पे दाग हो रहे हैं, किसी को पिंपल हो रहा है, किसी को पिगमेंटेशन हो रहा है, किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को सोरेसिस हो रहा है, बिकॉज बचपन से विरुद्ध आहार। एक साइड माँ दूध पिला रही, दूसरी साइड पौवा खिला रही। सो यू मेक श्योर योर मिल्क इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो इफ एट 7 नौकरसी आती है आपने दूध पिया, तो 3 घंटे सनराइज के 3 घंटे बाद ब्रेकफास्ट है। तो अगर आप सुबह 6 बजे सनराइज होती है तो 9 बजे आप नाश्ता करो। तो नाश्ते के साथ भी अगर कुछ पीने को चाहिए, खाने को चाहिए, चाय का कॉन्सेप्ट इंडिया में था नहीं, बट जो ओरिजिनल चाय का कॉन्सेप्ट है उसमें दूध है ही नहीं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, हैव यू हर्ड, इंडियन टी कभी थी ही नहीं। वो लोग पानी की चाय बनाते थे, जिस डिप डिप ची, पर वो चाय कभी 1 चम्मच दूध डालते, कभी 2 चम्मच दूध डालते, कभी 1/4 दूध डाल के 3/4 पानी, तो वो चलेगा। 2-4 चम्मच दूध डाला और आपने नाश्ता की, दूध पतली, दूध वाली पतली पानी वाली एकदम कम दूध की चाय के साथ आप नाश्ता करो, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आयुर्वेद को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, आयुर्वेद को प्रॉब्लम नहीं है। बट नमक और दूध विरुद्ध आहार है। सबसे पहला नमक और नॉनवेज विरुद्ध आहार है। यहाँ पे तो कोई, आई एम श्योर सब वेजिटेरियंस की ये बैठक है, बट नमक और नॉनवेज विरुद्ध आहार है। नमक दूध और फ्रूट्स विरुद्ध आहार है। नमक और अरे नॉनवेज और दूध विरुद्ध आहार है, दूध और फ्रूट्स विरुद्ध आहार है। तो जब कोई लोग बोलते हैं कि हमको दूध नहीं पीना है, दूध के साथ ही नाश्ता करना है, तो क्या नाश्ता करेंगे? तो आप सीरा बनाओ, सीरा तो मीठा है, उसमें नमक आया नहीं, दूध और सीरा आपका नाश्ता। या फिर दूध पौवा लोग बनाते हैं जिसमें केसर इलायची वो डालते हैं, तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि यू कैन स्टार्ट योर डे विथ टी कॉफी वॉट एवर विथ मिल्क विथ केसर एलची वाला दूध, पर कई लोग गोंद की राब रवि बनाते हैं, कोई लोग सूंठ पिपरा मूल का काढ़ा पीते हैं। सुबह आप कुछ भी गर्म चीज से आपकी सुबह चालू करिए, क्योंकि जैसे जैसे सूरज उगती है आपके पेट में अग्नि बढ़ती है। तो जो वात पित्त कफ का जो मैं बात बोल रही थी, आयुर्वेद को जैसे पूरा जगत जो हिंदू परंपरा है उसमें वो लोग पूरे जगत को बोलते हैं कि सात्विक राजसिक और तामसिक, वो लोग ऐसे जगत को डिस्क्राइब करते हैं। जहाँ आयुर्वेद की बात होती है, आयुर्वेद हर चीज को जो वय की है, यानी बचपन जवानी बुढ़ापा, उसको भी वात पित्त कफ में डिवाइड करता है। जो 24 घंटे का दिन है उसको भी वात पित्त कफ में डिवाइड करता है। आपके शरीर में जो शरीर है उसमें भी वात पित्त कफ है, हर चीज में वो वात पित्त कफ की बात करता है। तो जो 0 to 20 ईयर्स ऑफ काल है वो आपका कफज काल है। कफ ऐसा है जो शरीर में शरीर का बंधारण बनाता है। सो व्हेन इट इज द बिल्डिंग स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, दैट इज कफ। जो शरीर को बन रहा है, जो इम्यूनिटी है, वो सब कफ है।
जो आप जो कफ थूक रहे हो वो बात अभी नहीं हो रही है, अभी आयुर्वेद के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हो रही है। जब मैंने आपको बोला ना समदोष, वात पित्त और कफ ये तीन दोष हैं, जब वो बैलेंस में रहते हैं तभी शरीर हेल्दी रहता है। तो ये 0 to 20 इयर्स का जो काल है वो कफ का काल है बच्चों का, उसके बाद आएगा अपने पित्त का काल। तो 20 to 45, 50 व्हेन यू आर एट योर पीक, व्हेन यू आर एट योर प्राइम, दैट काल इज पित्त का काल। वो पित्त के काल में आप इतने जवानी का जोश, जुस्सा, पित्त है वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी है शरीर में, डाइजेस्टिव फायर बोलो, मेटाबॉलिज्म बोलो, वो सब पित्त के कारण है। और आगे बाद में आएगा वायु, तो वायु वात कफ और पित्त को मेंटेन करता है, बट वायु इज द वन हु डज डिविजन्स इन द बॉडी। तो जो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा शरीर का, आफ्टर 50 योर ब्रेक डाउन स्टार्ट्स। सो टिल 50 कुछ भी हो, यू आर रॉक स्ट्रॉन्ग, दैट इज पित्त का काल। तो वाई वी से कि आप अभी 50 के बाद किसी को पैर का दर्द, किसी को कमर का दर्द, किसी को घुटने का दर्द, क्योंकि अब वो वायु प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इट इज कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ योर जॉइंट्स, दिस एंड दैट। सो तब आपको वायु के काल में अगर आप आ गए हो तो आपको परहेज करनी। व्हेन यू आर इन द पित्त का काल तो आपको कोई परहेज नहीं हो सकती, तो आपने जिंदगी भर कैरी का अचार खाया, इमली का अचार खाया, कुछ भी खाया, आपको कभी भी घुटने में दर्द या कमर में दर्द ये सब नहीं होगा। बट आफ्टर 60, 65, 70 अगर आप कैरी का अचार बैक टू बैक 3 दिन खा लो, चौथे दिन कमर पकड़ जाएगी, घुटने पकड़ जाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर इन द अवस्था ऑफ वात, वायु की अवस्था में आपका शरीर जा चुका है। तो ये चीजें जो है 0 to 20 कफ का काल है, तो तब शरीर का बंधारण बन रहा है। इसलिए आयुर्वेद जब बच्चों की चिकित्सा करता है तो 0 to 5 ईयर्स हम बच्चों को केला, दही ये चीजें देने मना करते हैं, जबकि एलोपैथी बोलती है कि सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू बनाना। वो बनाना जिंदगी भर चाइल्ड की पीडियाट्रिक फाइल कभी बंद ही नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा सर्दी कफ होती है। तो आपको 0 to 5 ये ध्यान रखना है कि उनकी कफ की अवस्था है, तो उसमें उनको कफ करता हुआ आहार आप नहीं दे सकते हो। आफ्टर 5 बच्चा इतना भागता दौड़ता, टॉडलर अभी तो वो सीख रहा है, 0 to 2 years, 3 years, 4 years तो वो अभी भागना सीख रहा है, मस्ती करना सीख रहा है, 5 के बाद वो फुल ऑन मस्ती करना चालू करता है। तो तब आप केला दोगे तो उसको पचेगा, बट उसके पहले आप दोगे तो नहीं पचेगा। कभी महीने में एक दिन खिलाया तो ठीक है, पर अगर आप रोज केला खिलाने की आदत में हो बच्चों को तो वो नहीं करना है। खाने की बात जो मैंने की कि नाश्ता 3 घंटे बाद, आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि भोजन के दो भोजन के बीच में जो अंतराल रखना है वो कम से कम 2 प्रहर का रखना है। सो व्हेन योर इफ योर फर्स्ट मील, इफ योर लंच, भोजन की बात हो रही है यहाँ पे, नाश्ते की बात नहीं हो रही है। सो इफ योर लंच इज एट 12, योर डिनर कांट बी बिफोर 6। जो मैंने आपको बताया वात पित्त कफ वय के हिसाब से तो बता दिया, पर वात पित्त कफ दिन में भी है। दिन में 2 बार वायु का काल आता है, दिन में 2 बार पित्त का काल आता है, और दिन में 2 बार कफ का काल आता है। यहाँ पे वायु का काल 2 to 6 सुबह और 2 to 6 शाम को है, यानी इसका मतलब ये है कि सुबह आप 4:30-5 बजे उठते हो, वायु का सारी एक्टिविटी पूरे शरीर में जहां जहां हलन चलन है वो वायु के कारण। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ऑटोमेटिकली पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि जो 5 वायु बताए हैं उसमें से जो नीचे वाला वायु है अपान वायु, तो सुसु पॉटी उसका काम सब अपान वायु का है। तो अगर आप वायु के काल में उठते हो तो आपका पेट साफ होने ही वाला है, पर आप 7, 8, 9 बजे उठते हो वायु तो सो गया 6 बजे बाद। 6 से 10 कफ का काल है, यानी आप सोचो सर्दी कफ जिसको होती है सुबह उठते ही नाक जाम है, गला जाम है, माथा पट रहा है, दुख रहा है, साइनस ब्लॉक्ड है, 10 बजे धूप आती है वो ठीक हो जाता है, ऑफिस पहुंचते ही ठीक हो जाता है, 10 से 6 ऑफिस में नो प्रॉब्लम, शाम को घर आते ही 6 से 10 वापस सर्दी है, छीका छीक, नाक बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको ये समझना है कि 6 से 10 सुबह और 6 से 10 शाम को कफ का काल है। तो कफ के काल में तो कफ निकलने का टाइम है। तो अब आपको सुबह माथा दुख रहा है तो आप गरम कुछ सूंठ पिपरामूल डाल के कुछ गरम उकाले लेंगे तो यू विल बी बेटर, कफ निकलेगा बाहर, और वो नेचुरल है और वो उस टाइम पे निकलना ही चाहिए। तो अगर सर्दी कफ हुई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी इंडिया में जो आजकल ये सर्दी होते ही पॉप अप पिल, पॉप एन एंटीबायोटिक, नो डोंट डू दैट। कोई भी सर्दी कफ 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता,
आपको एक सिंपल टिप बता रही हूँ, सर्दी कफ गला खराब होते ही 25 पत्ता तुलसी, 10 पत्ता पुदीना, 3 काली मिर्च और 6 काली मिर्च जितनी मिश्री, ये चबा के सुबह सूर्योदय पे चबा लीजिए और शाम को सूर्यास्त, 6 and 6 ये चबाया, यू आर फाइन, क्योंकि कफ अब वो गर्मी गर्मी चीज कफ को मेल्ट करके निकाल देगी। सो शायद 2 दिन सफर करना पड़े, 3 दिन सफर करना पड़े, फिर नहीं भरना पड़ेगा। अब आके आते हैं वात की काल का बताया, तो वात का काल मैंने आपको 2 से 6 सुबह और 2 से 6 शाम को बताया। इसलिए आप देखिए जिनको जनरली एक्सन पेन्स रहते हैं, कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, वो शाम को 5-6 बजे बाद दर्द चालू, तो वायु के काल में वो एक्टिवेट हो गया। सिमिलरली अब पित्त का काल है, तो 10 से 2 इन द मॉर्निंग एंड 10 से 2 एट नाइट, तब पित्त का काल एक्टिव है, यानी आपका जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म है, फूड मेटाबॉलिज्म, वो 10 से 2 में एक्टिव है। यानी अगर आप 9 बजे नाश्ता कर रहे हो तो आप 12 बजे 12:30 आपको खाना खाने बैठ जाना है उस टाइम पे, क्योंकि 10 से 2 ही पित्त का काल है। तो अगर आप 1 बजे पहले आपका लंच पूरा करेंगे तभी अंदर 2 बजे 1 घंटा पूरा काम होएगा उसका, तो आप आपका खाना बराबर पचा पाएंगे। अब ये चीज में कई लोग मुझे पूछते हैं कि तो रात को 10 बजे फिर से खाने बैठने, नहीं, आयुर्वेद ऐसा बताता है, आयुर्वेद एंड जैनिज्म आर वेरी वेरी सिमिलर, जो जो अपने सिद्धांत है वही आयुर्वेद के सिद्धांत। आयुर्वेद बोलता है कि रात को पित्त का शमन नींद से होता है, निद्रा से, तो 10 बजे आपको सो जाना है, सो ही आप 4:30 सुबह उठ पाओगे। तो जो आप जब सोते हो तब वो पित्त का शमन ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए अब संध्या काल पे खाने बोला है आयुर्वेद ने, तो अगर आप 12:30 खाते हो तो 6:30 ऑलरेडी सूर्यास्त के टाइम, जो अपने चौबियार लोग करते हैं वो सेम टाइम हो गया। और सोने के पहले जो भैंस का दूध बताया है, तो बच्चे जो रात को लेते हैं वो भैंस का दूध लेके सो सकते हैं, सबसे बेस्ट है, उसमें थोड़ा मिश्री या चीनी मिला के। यह तो था खाने के नियम। अब क्या 6 घंटे तक भूखे रहना? नो, द टाइम बिटवीन, कई लोग बोलते हैं हमको तो बहुत जल्दी भूख लग जाती, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को चाहिए, बट थोड़ी थोड़ी देर में नहीं खाना है। आयुर्वेद बहुत ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारतीय प्रजा में हो रही है, डाइटिशियन को फॉलो करना, न्यूट्रिशनलिस्ट को, कटोरी कटोरी में आपके खाओ, गिन के खाओ और 2-2 घंटे में खाओ, 2 घंटे बाद फिर कुछ खाओ, फिर 2 घंटे बाद, तो फिर खाने के आगे बढ़ोगे ही नहीं आप। यू आयुर्वेद सेज ब्रेकफास्ट लंच हाई टी एंड डिनर, एक्चुअली लंच एंड डिनर ही है, बट इफ यू आर एक्टिव एंड यू आर वर्किंग देन इट इज हाई टी एंड डिनर। बट लंच अगर आपका 1 बजे फिनिश हुआ तो आप 4 बजे फ्रूट खा सकते हो, आप सूप पी सकते हो, आप चाय नाश्ता कर सकते हो, वो 4 बजे पहले नहीं, और 4 बजे आपने नाश्ता किया तो 7 बजे आपका डिनर डन, 2-2, 3-3, 3 घंटे पहले खाना नहीं है। सो एटलीस्ट अ गैप ऑफ 3 आवर्स बिटवीन मील एंड मिनी मील, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैनों में हो रही है एकाशना बैशना, एकाशना करते हैं तो 3 मील एक साथ लेते, दे स्टार्ट विथ ब्रेकफास्ट, दे हैव देयर लंच एंड देन एंड विथ हाई टी। तो पहले चाय दूध पियेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर रोटी सब्जी दाल चावल, और फिर लास्ट में डोसा इडली एक आइटम तो चाहिए ही, डिनर आइटम। सो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है आयुर्वेद में, बोलता है कि आपको व्रत उपवास हर मिनिमम हर 15 दिन में एक व्रत या उपवास करना है। तो आप ऐसे भी हर 10 दिन में एक तिथि, 5 तिथि जैनों के 5 तिथि होती थी, 2 आठम 2 चौदस 1 पांचम, तो आप 5 तिथि उपवास करो। आप इकाशना कर रहे हो इसलिए कि यू आर स्किपिंग द रेस्ट मील्स, इसलिए नहीं कि आप एक टाइम में 3 टाइम का खा लो, देन यू आर लोडिंग योर बॉडी। ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो आप जैन धर्म के नाम पे आपके शरीर पे। सो अगर आप एकाशना करते हो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, प्लीज हैव ब्रेकफास्ट। इफ यू आर हैविंग एकाशना एट लंच के टाइम, प्लीज हैव लंच, बट डोंट मेक दैट 1 मील अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मील्स। आइडियली अगर आप मेरी दृष्टि से पूछते हो, आयुर्वेद में जो लिखा है 10 से 2 के बीच में पित्त का काल है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एकाशना जो भी कर रहे हो, फर्स्ट मील
बाय यू सिट बाय 10:30 बिफोर 12, सो दैट वो पित्त बढ़े नहीं. लोगों को तकलीफ जो भी कार्य करने में होती है तकलीफ, वो इसलिए होती है कि वो 2 बजे 3 बजे बैठ रहे हैं. आपका पित्त का काल 10 से 2 है, तो आप मेक श्योर करो यू सिट अकॉर्डिंगली, तो आपका एकाशन अच्छे से हो. और अगर आप बैसना कर रहे हैं तो भी मेक श्योर करो कि 12 बजे खा रही हूँ फिर 5 बजे फिर से खा रही हूँ. नो, देर हैज टू बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 6 hours बिटवीन 2 meals. देन हैव योर फर्स्ट बैसना एट 9 o'clock एंड द सेकेंड वन एट 5 o'clock और 4 o'clock. मतलब मेक श्योर एटलीस्ट 6-7 घंटे का गैप आपके उसमें रहे. अब जो डाइट खाने के टाइमिंग मैंने बता दिए, आगे जाके बढ़ेंगे कि खाना कैसे खाना है उस पर बढ़ेंगे आगे. खाना कैसे खाना है, बस बैठ गए रोटी सब्जी दाल चावल सलाद खा लिया, नहीं. आयुर्वेद में खाने का एक क्रम है. सबसे षड रसात्मक खाना होता है, भोजन जो है वो षड रसात्मक होता है. मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय. मधुर इज स्वीट, अम्ल खट्टा, लवण सॉल्टी, कटु कड़वा, तिक्त तीखा और कषाय एस्ट्रिंजेंट. और यही क्रम में खाना खाना है. यानी वेस्टर्न कल्चर में डेजर्ट लास्ट में आता है, आयुर्वेद में डेजर्ट फर्स्ट आता है. मधुर रस से ही भोजन की शुरुआत होनी चाहिए. बिकॉज भूख लगी है, पित्त एट इट्स पीक है, तब आप मधुर दोगे तो पित्त का शमन होगा और फिर आप आपका सारा खाना खाओ. So you start your meal with madhur ras, but where I mean madhur ras doesn't mean only sweet. किसी के लिए अगर खाने में 4 पकवान बने हैं और उसमें जो उसका फेवरेट हो वो उसके लिए उसके उसके शरीर में मधुर रस की पैदा करेगा. यानी मेरे को अगर दही बड़े बाते हैं और खाने में दही बड़े, तो वो मेरे लिए मधुर रस दही बड़े का है. तो देन आई हैव टू स्टार्ट विथ लिटल दही बड़ा, देन आई कैन फिनिश माई होल मील. सो जरूरी नहीं है टेस्ट में मधुर होना चाहिए, आपके शरीर में मधुर रस आपको जो प्रसन्न करे वो सबसे पहला खाना. मधुर रस का यहाँ पे 2 तरीके से है, स्वीट इन टेस्ट ऑल्सो एंड स्वीट और मुंह से पानी दिलाने वाला फॉर योर सेंसेस. तो आपको भी आपके मन को जो मधुर रस करे वो भी. तो यहाँ पे मधुर अम्ल लवण यहाँ पे है योर रेस्ट ऑफ द कटुतिक कषाय है फरसान. जो अपने एग्जाम्पल ऑफ ऑल द 6 रस इन 1 meal, गुजराती दाल अगर जो आप समझते हो तो उसमें खटाई भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सारे रस हैं. एस्ट्रिंजेंट में वो लोग सूरन डालते हैं कई दाल बनाने में, मेथी डालते हैं, राई डालते हैं, तो वो सब तिखास भी आती है मिठास भी आती है. षड रस आत्मक होता है गुजराती दाल. तो हर जगह की जो क्यूजीन है उस क्यूजीन में उसकी थाली का सिस्टम है. उसका रीजन यही था कि यू स्टार्ट विथ अ स्वीट, हैव द मेन कोर्स एंड एंड विथ योर जो भी एपेटाइजर्स जो बोलते थे ना, यानी पकौड़ी है, कचौरी है, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो सब लास्ट में आता है, पहले नहीं. खिचिया पापड़ ये सब लास्ट में आता है. बट आप आपका किस चीज से खाना स्टार्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट. और खाने के लिए भी नियम आयुर्वेद में यह है कि खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो. उसका रीजन ये है कि अगर मैं धनिया को मिक्सी में डाल दूंगी और मिक्सी चला दूंगी तो चटनी नहीं बनेगी, पर भीजा हुआ धनिया अगर मिक्सी में डालूंगी तो चटनी बन जाएगी. आप जो भी खाना खा रहे हो, आपके पेट में एक मिक्सी और एक गैस दोनों एक साथ है. तो अब अगर चूल्हे पे आपने पानी डाल दिया तो पानी बुझ जाएगा, तो चूल्हा बुझ जाएगा. पर वही चूल्हे में अगर आपने पानी के छांटे डाले तो चूल्हा अच्छे से जले. अगर मिक्सी में मैं रोटी सब्जी भर के मिक्सी चालू करूंगी तो थिक शेक नहीं बनेगा. बट वही मिक्सी में अगर मैं थोड़ी सी भिगा के रोटी, उसके बाद सब्जी, फिर भिगी के रोटी, फिर सब्जी, लेयर्स बना के मिक्सी चालू करूंगी तो थिक शेक बहुत अच्छे से बन जाए. सो खाने का नियम ऐसा है कि 2 कवे में 1 घूंट पानी, खाते खाते 1.5 गिलास पानी, खाने के बाद 1 घंटे तक 9 पानी. ये एक बेसिक मील का नियम है. कई लोग बोलते हैं कि हम खाते खाते पानी नहीं पीते, लास्ट में 1 घूट पी लेते. नहीं, लास्ट में 1 घूट तो पीना ही है मुंह साफ करने के लिए. बट जब आप पानी पीते हो 1.5 गिलास खाते खाते पीना है, उसके बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना है, क्योंकि तब आपका गैस और मिक्सी अंदर का एक साथ काम करेगा.
अगर मैं रोटी सब्जी की फिलिंग करके ऊपर पानी डालूंगी और मिक्सी चालू करूंगी, सारा पानी फट के ब्लास्ट होके बाहर आए. सो यू हैव टू, और एक साथ पानी डालूंगी तो नीचे का गैस प्रॉब्लमेटिक. तो खाने के पहले भी पानी नहीं पीना है, खाने के बाद भी एक घूंट मुंह साफ करने के लिए पीना है, बट आपको खाते खाते पानी पीना ही है. इससे चार चीजें नहीं होंगी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड फोर्थ बैड ब्रेथ इन द माउथ. मुंह से बदबू आती है, कई लोगों को दिन भर बदबू आती. वो बदबू कहाँ से आ रही है? मुंह कहाँ जाता है? स्टमक, इंटेस्टाइन्स. अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, अंदर पेट में खाना सड़ रहा है, तब मुंह से बदबू आएगी, गैस ऊपर आके मुंह से बदबू आएगी. तो आप कितना भी ब्रश कर लोगे, माउथ वॉश कर लोगे, जो मुंह से बदबू है तो उसको पेट साफ का चूर्ण देना पड़ेगा. कहीं ना कहीं ही इज कॉन्स्टिपेटेड, उसको गैस बन रही है, तभी मुंह से बदबू आ रही. यू हैव टू थिंक ऑफ द कॉज. जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको तीखा खाते ही एसिडिटी नहीं हो रही, तीखा खाने के एक घंटे बाद एसिडिटी हो रही है, क्योंकि आप खाते खाते पानी नहीं पी रहे हो. तो जो शरीर में एसिड नेचुरल है वो पूरे खाने में घूम नहीं रहा है. तो जब आपका पेट एक घंटे बाद खाली होगा, तब एसिड छूटेगा और फिर प्रॉब्लम होगी. सो कुछ चीजें जो है, एसिडिटी क्यों होती है कोई पूछेगा. आप खाते खाते पानी नहीं पीते हो तो एसिडिटी होती है. आप और टाइम्स पे खाते हो, पित्त के टाइम पे नहीं खाएंगे, बोले आज मैं बाहर जा रही हूँ 4 बजे खाऊंगी, तो आपके मेहमान आए हैं. तो इसका एक सिंपल इलाज है, 10 से 2 के बीच में पित्त का काल है. अगर आपको कोई भी कारण से मेहमान है, कुछ भी हुआ, तो आप एक इंडियन मिठाई आपके साथ रखो. आपका रोज का 1 बजे का खाने का टाइम है, और जिस दिन 3 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज मैं टाइम पे खाना नहीं खाऊंगी, एक लड्डू साथ में रखो और लड्डू चबा लो. 1 बजे आप आपका लड्डू चबा लो, फिर आप 4 बजे खाना खाओगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, तब वो गैस या पित्त माथे पे नहीं चढ़ेगा. बट दैट इज वंस इन अ वाइल. एवरी डे यू हैव टू हैव फिक्स्ड रूटीन फॉर योर लंच, फॉर योर डिनर, फॉर योर ब्रेकफास्ट, फॉर योर हाई टी. सो खाने का मैंने षड्रसात्मक भोजन होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भोजन कैसे करना है ये भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है. सबसे पहला, हाथ और पैर दोनों धो के खाना खाना स्टार्ट करना. वाई पैर हाथ, क्या रीजन क्या है? सैनिटाइज कर लो, वाई धोना, क्यों धोना है? वेट वाइप्स यूज कर लो. सी, हाथ कभी आपने देखा होगा, हथेली, हथेली पे, हथेली कभी किसी की ठंडी होती है, किसी की गर्म होती है, किसी की हथेली से बहुत पानी आता है. जब आप हाथ को गीला करते हो, पैर को गीला करते हो, तो जिसके हाथ पैर ठंडे उसका पेट गर्म, और जिसके हाथ पैर गर्म उसका पेट ठंडा. तो जब आप खाना खाना चाहते हो, आप आपकी सारी अग्नि को पेट पे फोकस करना चाहते हो. इसीलिए हाथ और पैर धो के खाना खाने का विधान है आयुर्वेद में. और कैसे बैठ के खाना खाना है? पलाटी मार के बैठने का रीजन क्या है? द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग क्रॉस लेग्ड एंड गिविंग दिस लेक्चर इज बिकॉज नाउ ऑल माई चक्रास आर अलाइंड. जो आपका मूलाधार चक्र होता है वो नीचे से बंद हो गया है, लॉक हो गया है. तो आपका जो जो भोजन के साथ की जो अग्नि है वो वहां पे ही वो फोकस होएगा. सो व्हेन यू आर सिटिंग क्रॉस लेग्ड एंड ईटिंग, तो वो खाना एकदम व्यवस्थित पचेगा. सो सुखासन में बैठ के खाना खाना है. यहाँ पे सुखासन का मतलब, अगर आप क्रॉस लेग, किसी को नी की प्रॉब्लम है, मैं क्रॉस लेग नहीं बैठ सकती हूँ, तो वो उसको फिर पलाटी मार के नहीं बैठना है. आपको जो आसन में सुख मिले, दैट इज सुखासन. आपको पर खड़े खड़े डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए. ऑलवेज सिट एंड हैव योर मील्स. दूसरा, तन्मय भुंजित, नाति उष्ण नाति विलंबित, यानी बहुत गरम गरम भी नहीं खाना है, बस सीधा तला और गरम गरम पकौड़ी, गरम गरम, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड. कोल्ड फूड तो बिल्कुल नहीं. बासी भोजन का आयुर्वेद में कहीं भी वर्णन नहीं है. ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक, आज के जमाने में मैक्सिमम रोग हो रहे हैं बिकॉज आजकल लोग बासी खाने लगते हैं. आयुर्वेद में सुबह जो बनाए वो भी शाम को नहीं खाना. सो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिए. रीहीटिंग द फूड एंड ईटिंग इज ऑल टूगेदर नॉट एट ऑल. रीहीटिंग भी नहीं, आपको जो बनाए वो ही खाना है, उसके बाद मेक एंड ईट. That is the concept in Ayurved. बासी का concept Ayurved में है ही नहीं. और तन्मय भुंजित, यानी
आप खाना खा रहे हो पर दिमाग कहीं फोन पे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तन में आदमी जो भी करता है खाने के लिए करता है। आयुर्वेद में सबसे पहला नियम है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सो अगर आप खाने के टाइम आपको दिन में 2 बार 20-20 मिनट आप खाना खा रहे हो, उसमें भी फोन है, उसमें भी कुछ और है, उसमें भी कुछ और है, मत खाइए। बेटर टू नॉट हैव फूड देन हैव फूड इन द रॉन्ग वे। उपवास करना बेटर है, टू हैव फूड इन द रॉन्ग वे इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू से। नाउ इट इज 4 o'clock, सो आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट दैट वी ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड इफ एट ऑल वी गेट टाइम देन आई विल से अ फ्यू मोर थिंग्स। यस, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारे मिथ्स हमारे बस्ट किए हैं एंड लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अपन ने शुरू किया था, अपने माउथ पुलिंग की बात की थी, तो एक क्वेश्चन था कि कौन से ऑयल के साथ करना चाहिए? तिल का तेल। ऑयल पुलिंग तिल का तेल। तिल का तेल, ओके। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो आयुर्वेद जब फास्ट करने का बोलता है तब वो शरीर को ब्रेक देने के लिए फास्ट करने का बोलता है। जैनों का जो उपवास है ना, जिसमें सिर्फ पानी पीना है, दैट टाइम यू आर क्लेंजिंग योर सिस्टम। इसमें ऐसा है कि गटर साफ कर रहे तो पहले पाइपलाइन बंद करनी पड़ेगी। सो यू वॉन्ट टू फास्ट ऑल्सो एंड यू वॉन्ट टू ईट ऑल्सो। ड्राई फ्रूट खा रहे हैं हम, सिर्फ आज दूध पियेंगे, हम फ्रूट पे रहेंगे, नहीं। सिर्फ पानी, देन ओनली, तो ही उसका मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लगा दो। अच्छा, और डाइट फॉर एसिडिटी, किसी का क्वेश्चन आया था कि जिनके एसिडिटी हो वो क्या खाएं? वो टाइम पे खाएं। टाइम से खाएं, राइट। बट सिंपल सॉल्यूशन फॉर एसिडिटी, आमले का मुरब्बा या गुलकंद। सो यू कैन ट्राई बोथ, 3-4 टुकड़े मीठे आंवले के या 1 चम्मच आंवले का मुरब्बा या गुलकंद। पर जिनको जिनको एसिडिटी है और डायबिटीज है, तो ये तीनों सब है वो मीठे ऑप्शंस है। सो बेस्ट विल बी सिंपल आंवले का चूर्ण। तो वो खाली एक आंवले का चूर्ण फाक लेंगे तो भी एसिड कम हो जाएगा। अच्छा, एंड अच्छा, जो आपने बताया कि दूध के साथ ब्रेकफास्ट नहीं, क्योंकि सॉल्ट नहीं लेना है, फ्रूट्स नहीं लेना है, तो कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 48 मिनट्स। सो अगर इफ योर मिल्क इज एट 7, तो 8 o'clock आपका दूसरा, 1-1.5 घंटे का गैप इज इनफ। 8-8:30 आपका ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब दूध के साथ कई किसी को लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। पहले लोग दूध के साथ बादाम खाते थे, पर वो सॉल्टेड बादाम नहीं होती थी। हाँ, और जैसे आप बोल रहे हैं कि एक मिनी मील और बिग मील में गैप होना चाहिए 3 आवर्स का, तो इसमें लिक्विड्स भी मिनी मील में आएंगे? जैसे अगर हम नारियल पानी, शिकंजी या कुछ और? दैट इज ओके, हाइड्रेशन इज डिफरेंट, बट आयुर्वेद कहीं भी जूसेस का वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में फल खाने का वर्णन है, लिक्विड्स में आयुर्वेद में शरबत का वर्णन है काफी जनकारे, बट फ्रूट जूस का वर्णन नहीं है। फ्रूट, ईट द फ्रूट, क्योंकि अगर आप 4 संतरे का 1 ग्लास जूस बनाओगे तो आपको जो एनर्जी 4 संतरे को पचाने के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी में आपने फटाफट जूस घटक लिया, तो उससे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाएंगे। सो जूस का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में शरबत का है, सौंफ का शरबत, कैरी का पानी, ये पानी, वो पानी, हर सीजन के अलग अलग शरबत बताए हैं। अच्छा, समर्स के लिए क्या बेस्ट है? सो देर इज, आप नारियल पानी तो ऑफकोर्स बोला, कोकम का शरबत है, कैरी का पन्ना है, सौंफ वरियाली का शरबत है, गुलाब का शरबत है, खस का शरबत है, इसका शरबत है, क्या बोलते हैं, मोगरे का शरबत है, तो वो सारे, बहुत सारे शरबत है आयुर्वेद। यू कैन हाइड्रेट विथ वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ टू लूज वेट थ्रू आयुर्वेदा। फर्स्ट स्टार्ट द रूटीन। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, द बेस्ट टिप विल बी वेक अप अर्ली। अच्छा, जो 4-4:30 बजे उठता है और 10 बजे सोता है, एक उसकी बॉडी साइकिल फिक्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वजन गिरना चालू है।
वो खाते खाते पानी नहीं पीते होंगे। अच्छा, तो खाते खाते पानी हर खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विच आई फॉरगॉट टू टेल इन द लेक्चर, जिंदगी में कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। खड़े खड़े पानी पीने से जितना पानी पीता है उतना ही गैस अंदर जा रहा है, तो पेट नहीं फूलता होगा तो भी फूलेगा। जिन जिन के पेट फूले हुए हैं, मेक श्योर आप बैठ के पानी पी रहे हो, धीरे धीरे पेट अंदर चला जाए। और इस कोकोनट वाटर ओके ऑन डेली बेसिस? दैट नॉट ओके अगर सर्दी कफ खांसी कुछ है, अदरवाइज ओके। शाम के बाद कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स? फ्रूट्स कैन बी हैव ब्रेकफास्ट टाइम और हाई टी टाइम, शुड नॉट बी हैड विथ मील्स। ओके, एनी रेमेडी फॉर कोरोना? कोरोना इज दैट्स अनदर सेमिनार नाउ। यस, आई विल, रिजिता जी, आई हैव गिवन अ फ्यू सेमिनार्स ऑन कोरोना। I will share you the link, तो आपके जो भी मंडल में, you can pass the video. That'll be very nice. और भी लोगों के आए हैं that they would love to attend more of your sessions. तो आपके जो भी sessions हो रहे हो, अगर आप link share कर दें तो हम. I have a very active group on Facebook. Okay. So all of your मैं आपको link भेज दूंगी. तो बहुत सारी जितनी चीजें आज मैंने बताई और उसके अलावा भी hair fall, good skin, ये वो, तो वो आई कीप अपडेटिंग ऑन द क्लब, दे कैन जस्ट बी मेंबर्स एंड गो थ्रू ऑल द पोस्ट्स। दैट विल बी वेरी नाइस। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो आज पहली बार ही युक्ति मंडल का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप लिंक इसी सेशन में चैट बॉक्स में अगर शेयर कर लें तो लोग सेव कर सकते हैं, इफ इट्स पॉसिबल। सी, ओके, टुवर्ड्स द एंड, वरना अगर आप तब लास्ट में आपको आई विल सेंड यू, यू कैन शेयर। ठीक है, हाँ, परफेक्ट। questions hain, what is a healthy breakfast for toddlers if not banana? So there is papaya. Pumpkin is a very wonderful meal. Pumpkin jo hai, koda jo hai, usse buddhi badhti hai. To bachchon ke liye ye cheez khas dhyan rakhni hai ki jo log aajkal badam khilate buddhi badhao, waise hi charodi, चिरौंजी बोलते हैं हिंदी में उसे। सो पहले के लोग उसको दूध पाक में खीर में डाल के बच्चों को खिलाते थे। सो दैट इज ऑल्सो, उससे भी बुद्धि बढ़ती है। पम्पकिन एक ऐसी चीज है। दूसरा एक चीज मैं बोलना भूल गई, आयुर्वेद गाजर को दृष्टि नाशक बोलता है। तो जब जब गुड आई साइट की बात होती है तब तब आयुर्वेद गाजर को मना करता है, और डॉक्टर्स जो मेडिकल साइंस है वो बोलते हैं विटामिन सी। आयुर्वेद जो है वो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो इतना समझता है कि जो आप खाते हो उसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, वो गुड फॉर द हार्ट, गुड फॉर द ब्रेन, गुड फॉर वो सब चक्षुष है, हृदय है, यानी हृदय मतलब हृदय के लिए गुणकारी, बुद्धिवर्धक है, ये चीजों में आयुर्वेद खाने को आपके डिवाइड करता है। एक बहुत अच्छी बुक है गुजराती में, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रांसलेशन इज अवेलेबल, आर्य भिषक करके, सो सस्तु साहित्य की ये बुक है गुजराती में, जहाँ पे खाने पीने की जितनी चीजें हैं, बीट भिंडी, बीट ककड़ी, बीट गोभी, उसके सबके द्रव्य गुण लिख दिए। ऐसी एक बहुत अच्छी बुक है भाव प्रकाश, भाव प्रकाश के दो भाग है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज फॉर ट्रीटमेंट, बट जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और स्पेसिफिक भोजन, यानी अन्न कौन सा, गेहूं के क्या गुण, चावल के क्या गुण, उसके उसका उसमें काफी अच्छा वर्णन है, तो वो हिंदी में अवेलेबल है। भाव प्रकाश, जिनको शौक है वो पढ़ सकते। वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। जैसे आपने खाते वक्त बताया कि सुखासन आलती पालती लगाकर खाएं तो अपने सारे चक्रास एक्टिवेटेड रहते हैं, तो क्या ये आसन हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए अच्छा है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? डेफिनेटली, सबसे सबसे सबसे, और उसमें भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके मुझे बचपन से याद है, हम पाठशाला जाते तो गुरु जी सुखासन में बैठा के दोनों बड़े अंगूठों को पकड़ के फिर पाठ कराते, मतलब एक्चुअली आई विल ट्राई एंड शो यू,
कैन यू सी मैं पैर के अंगूठे आई डोंट नो माय कैमरा टोज इट्स यू हैव टू होल्ड बोथ योर फ्रॉम योर हैंड्स होल्ड योर बिग टोज और फिर आप पढ़ो तो वो तुरंत ब्रेन में जाएगा वो कहीं और जाएगा ही नहीं जो भी पढ़ाई करे बहुत ही यूजफुल टिप है वेरी नाइस अच्छा क्वेश्चन है कि खाना खाते वक्त आपने बोला है वाटर पिए अगर छाछ पिए या कोई और लिक्विड पिए तो चलेगा छाछ जो है वो आफ्टर एट द एंड ऑफ द मील अच्छा भोजन आंते पिबेत तक्रम ओके तो खाते खाते एक डेढ़ ग्लास पानी खाने के एंड में आप छाछ पिए नॉट नॉट इन द मिडल ऑफ द मील तो बेसिकली खाने के साथ पानी ही और कोई लिक्विड नहीं नहीं और छाछ में भी छाछ के तीन चार वैरायटी है जो लस्सी पीते हो वो छाछ नहीं है जो तक्र मैं बोल रही हूँ दैट इज 1/4 दही 3/4 वाटर अच्छा ये प्रोपोर्शंस होने चाहिए ये प्रोपोर्शन अगर आपको खाने के बाद पीना है अच्छा लस्सी तो इज अ मिनी मिनी मील इन इटसेल्फ तो अगर आप 9 बजे कुछ नहीं खा रहे हो एक ग्लास लस्सी पी रहे हो तो दैट इज योर ब्रेकफास्ट इन इटसेल्फ बिल्कुल अच्छा अभी समर्स हैं मैंगो का सीजन है और अमरस सबको बहुत पसंद है तो क्या ये लंच के साथ हम ले सकते हैं या नहीं सी कोई भी रस की बात जब होती है 48 मिनट बाद उसमें वायु की उत्पत्ति चालू होती है तो अगर आप तुरंत रस निकाल के तुरंत खाने बैठ गए तो प्रॉब्लम नहीं बट अगर आप अच्छा रस 10 बजे निकाल रहे हो और 1 बजे खाना खा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वो गैस करता है तो उसलिए आयुर्वेद ने बताया कि रस को प्लेन नहीं खाना उसमें थोड़ा घी और थोड़ा सौंठ पाउडर मिक्स करके आमरस खाना तो तुरंत खाया कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर आप थोड़ी देर 48 मिनट बाद खा रहे हो तो उसमें घी और सूट पाउडर मिक्स करना ठीक है किसी का एक क्वेश्चन आया है कि कॉपर वाटर सिर्फ पंचकर्मा एज पर भाव प्रकेश ऑल्सो वो कुछ कॉपर वाटर का कंफ्यूजन है उनका बट ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं आप क्वेश्चन अपना वापस भेज दें चैट बॉक्स में नहीं नहीं आफ्टर पंचकर्म नहीं है आयुर्वेद सी पंचकर्म इज एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थेरेपी मैं जहाँ आज बात कर रही थी वो दिनचर्या ऋतु एवरी डे के नियम की बात है सो एज पर भाव प्रकाश एज पर अष्टांग हृदय कोई भी कितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हो उसको उषापान बोलते हैं इस चीज को उषा काल यानी ब्रह्म मुहूर्त उषा के काल में जो पीना पानी वो उषापान जो है वो एक ग्लास पानी तांबे के बर्तन में रख के सुबह उषा काल में लेना है तो एक ग्लास जितना ही पानी लेना है और क्वेश्चंस आ रहे हैं थायराइड डायबिटीज बट आई थिंक ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बट अगर आप अहमदाबाद में आयुर्वेद में डायबिटीज का एक बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद बताता है कि डायबिटीज जो है इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तो वो ऐसा बोलता है कि स्वस्थ डायबिटीज के लिए ना आयुर्वेद और एलोपैथी में एक डिफरेंस है एलोपैथी वाले डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि आप गेहूं चावल बंद कर दीजिए चावल से शुगर बढ़ती है बट आयुर्वेद डायबिटीज को गेहूं बंद करा के चावल खिला के मिटाता है क्योंकि आयुर्वेद में जहां जहां अन्न का वर्णन है तो वो सबसे श्रेष्ठ अन्न चावल को बोलता है तो चावल यहाँ पे बासमती नहीं समझना है आपका जो भी लोकल राइस उगता है नॉन पॉलिश्ड राइस बेसिकली उसको हम चावल बनेंगे जैसे मैंने तेल के बारे में बताया नॉन रिफाइंड सिमिलरली फॉर राइस ऑल्सो नॉन पॉलिश्ड जो नेचुरली जिसको करके जो डीहस्क किया गया है सो दैट राइस इज वेरी यूजफुल फॉर क्योरिंग डायबिटीज एक छोटी टिप फॉर ऑल डायबिटीज पीपल इज कि सारे अनाज सेक देने के गेहूं चावल दालें सब सेक के रख लो और फिर उसको बनाओ तो वो सेकने से जो चीज शुगर करती है वो कम हो जाती है तो वो अनाज हल्का होता है तो जल्दी पचता है तो उसकी शुगर उतनी कम खराब करेगा कम अच्छा। बढ़ाएगा और दूसरा आमला और हल्दी दीज आर वेरी वंडरफुल ड्रग्स फॉर डायबिटीज जो ट्रीटमेंट करनी है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज कुछ बात नहीं कर रही बट आमला एंड हल्दी इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इंस्टेंट डायबिटीज को ठीक करने में बहुत काम करता है
तो जितना आधा चम्मच आंवला का पाउडर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर आप लंच के बीच में लीजिए, इट विल वर्क वंडर्स फॉर योर डायबिटीज। सिमिलरली एक आंवला घिस दीजिए और उतनी ही उतना ही फ्रेश हल्दी ग्रेट कर दीजिए, तो इसका जो मिक्सचर है आप चबा के एज अ सैलेड लंच के बीच में लीजिए खाते खाते, तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन है कि हम अल्कलाइज्ड वाटर ड्रिंक करते हैं विद हाई पीएच 9.5, ये सजेस्टेड है कि नहीं? जस्ट वन मिनट। यस यस, गिव मी वन मिनट। जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया प्लीज अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और जो मेमोरी बूस्टिंग के लिए उन्होंने आसन बताया, तो आलती पालती लगाकर अपने सबसे बड़े टो को प्रेस करते हुए याद करना है, तो वो उन्होंने बोला सीधा ब्रेन में जाता है। इज अल्कलाइन वाटर विद हाई पीएच 9.5 रेकमेंडेड? नो, नॉर्मल नॉर्मल बॉइल्ड वाटर इज रेकमेंडेड। पानी में भी हर सीजन में अलग अलग पानी पीना चाहिए, तो कितना किसी किस सीजन में हाफ बॉइल, किस सीजन में ओनली बॉइल, किस सीजन में 1/4 बॉइल, तो वो एक पूरा चार्ट है दैट यू शुड फॉलो। अच्छा, और जो जैन लोग पीते हैं राख वाला पानी, धोवन पानी, हेलो, हाँ, जो राख वाला राख से जो धोवन पानी बनता है उससे कोई नुकसान नहीं? नहीं, नुकसान तो नहीं, बट वो तो हर सीजन के लिए सेम। दैट्स ओके। जो आप बता रहे पानी में कुछ डालना, कुछ नथिंग लाइक दैट इज रिक्वायर्ड? नथिंग लाइक दैट। ठीक है। हाँ, ये चीज जरूर है कि विंटर्स में कॉपर में रखा हुआ और समर्स में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। तो जो घड़ा है इंडिया में बीइंग अपने पास 6 ऋतु है, शिशिर, वसंत, यू नो, तो 6 ऋतुओं में से विंटर्स की जो 4 महीने हैं विंटर्स के, वो आपको कॉपर में आपका मेटल में पानी रखना चाहिए, एंड समर्स में अर्दन पॉट। चांदी के बर्तन में? सी, सोना चांदी के बर्तन में आप खाएं पिए, बट व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट वाटर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ वाटर इज इन अर्दन पॉट और अ कॉपर पॉट, बट आप आपके जग में निकाल के और टेबल में रखा है तो दैट कैन बी सोना चांदी एनीथिंग। अच्छा, इज इट ओके टू हैव हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? So what people generally do, what I suggest to people who want to leave work and you know जो टिफिन लेके जाते हैं, अगर आप 10 बजे निकलते हो तो better you skip breakfast, have your hot meal, गरम खाना खा के जाओ और take the breakfast item for your lunch. Do it the other way. यानी अगर आप 10:30 बजे घर से निकलते हो तो 10 बजे आप पूरा खाना खा लो, आपका जो पोहा है या थोड़ा सा वघारा हुआ मूढ़ी है, ममरा है, जो आप सुबह नाश्ते में, थोड़ा उपमा है, जो आप सुबह नाश्ते में आइटम खाने वाले हो वो चीज आप 1:30-2 बजे आपका वहां डब्बा घर ऑफिस में खोल के खा ले। सो यू हैव योर हॉट मील इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल टिफिन फ्रॉम होम। अच्छा, एक क्वेश्चन आए, कैन वी हैव ओनली 2 meals, स्किप डिनर एंड इंस्टेड हैव ओनली फ्रूट्स फॉर डिनर? बट इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर लंच देन, एंड इफ यू आर स्लीपिंग अर्ली, 4 बजे खाली फ्रूट्स खा ली और 11-12 बजे तक अगर आप जगते हो तो पित्त को नुकसान होएगा, तो फिर उस पित्त से। सो यू कैन हैव फ्रूट्स एट 5:30-6, बट देन यू हैव टू स्लीप बाय 9:30। ओके, एक क्वेश्चन है, बफेलो मिल्क से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। घी और दूध कंप्लीट आहार इन इटसेल्फ है, बट जो आज जो दूध आ रहा है पैकेट का, जो पैश्चराइज्ड मिल्क है, वो पैश्चराइजेशन का कहीं पे भी आयुर्वेद में वर्णन नहीं है। हाँ, दूध गर्म करके ही पीना चाहिए, बट इट इज समथिंग विच हैज टू बी हैव फ्रेश एवरी डे। सो आपका बॉटल पैक कब होता है और आपके घर कब आता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, कितने टाइम में कंज्यूम हो जाना चाहिए? सुबह का दूध सुबह से रात तक, एक रात, उसके दूसरे दिन नहीं होना चाहिए। अब जो ये गाय गायब हो रही है घरों से,
पहले हर घर में गाय थी, तो यू नो दूध निकाला और पिया। फिटकरी का पानी पीना चाहिए? नहीं, क्यों, किसके लिए, वाय? ओके, एंड थायराइड के लिए भी क्वेश्चंस आए हैं कि व्हाट टू डू फॉर थायराइड। सो थायराइड वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ थायराइड टुडे, आज से 15 साल पहले लोग जानते ही नहीं थे थायराइड क्या है, और आजकल हर 4 में से एक घर में थायराइड का पेशेंट है। दैट इज बिकॉज आयोडाइज सॉल्ट हैज बिकम कंपल्सरी। पहले पहले जो लोग समुद्री मीठू खाते थे, समुद्रिक नमक, तो नमक की ढेली लाते थे कूट के और वही नमक खाते थे। जो आयोडीन की कमी थी, जो गॉइटर के प्रॉब्लम्स होते थे, वो फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिमालय के बेल्ट में वहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, इसलिए वो गंडमाला का गंड का रोग होता था। तो उस प्रजा को ठीक करने के लिए पूरे भारत को आयोडाइज सॉल्ट खिलाना, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो दिस कॉन्सेप्ट, सी सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट था जो मिस हो गया है, और आयोडाइजेशन इन सी सॉल्ट हो गया, उससे थायराइड बढ़ रहा है। So switch to your you know, rock salt. Get back to basics. Yes, sea salt, not even rock salt. Okay. Senda, kala namak alag hai, senda namak alag hai, sanchal, jo rock salt aap bol rahe ho, wo sanchal hota hai. Here I say sea salt, Delhi wala namak. Achha. Urine infection. Easiest solution to urine infection is jaw ka pani और धोए चावल का पानी, यानी 2 बार चावल धोते हैं, 3री बार पीने के पानी में मसल के धो दीजिए और फिर उसको पीजिए, थोड़ा सा मिश्री मिला के 2-3 दिन पियेंगे, यूरिन इन्फेक्शन क्योर। इवन नारियल पानी इज वेरी गुड इन यूरिन इन्फेक्शन। ओके, B12 डिफिशिएंसी आजकल विटामिन डी, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर B12 डिफिशिएंसी, ये जयपुर का युवक मंडल है, सो राजस्थानी लोगों को चूरमे का लड्डू कैसे बनता है सिखाना नहीं पड़ेगा। 10 रुपए के सिक्के के जितना चूरमे का लड्डू रोज खाइए, इन अ मंथ ऑल योर B12 विल बी ओके। चूरमे का लड्डू, बस सिंपल, वेरी सिंपल। और विटामिन डी जो बोलते हैं सनलाइट से मिलता है, सूरज से मिलता है, तो सूर्य भक्ता सूर्यमुखी, सनफ्लावर इज ऑलवेज वर्शिपिंग द सन, तो आप जस्ट ऐड अ स्पूनफुल ऑफ सनफ्लावर सीड्स इन योर डाइट एंड विद इन मंथ्स ऑल योर विटामिन डी डेफिशिएंसी विल बी गॉन। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत लोगों ने पूछा है हाउ टू गेट ग्लास लाइक स्किन और ग्लोइंग स्किन। आई थिंक ये तो एक इनफैक्ट सारी लेडीज इनफैक्ट जेंट्स का भी बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा स्किन, स्किन के लिए कुमारी, उसका जो एलोवेरा है उसका संस्कृत नाम ही कुमारी है, यानी यू नो एवर यंग। सो कुमार पाठा जो बोलते हैं एलोवेरा, जस्ट रबिंग योर फेस विथ फ्रेश एलोवेरा पुट्स अनदर ग्लो इन योर फेस। सो एक ये सिंपल टिप है, एंड एलोवेरा इज ऑल्सो नेचुरल सनस्क्रीन, सो दोज हु सफर फ्रॉम सनबर्न सन मार्क्स, मेक श्योर यू रब योर फेस विथ एलोवेरा एंड देन स्टेप आउट, या आके एलोवेरा से रब करके थोड़ी देर बाद वॉश कर दिया, सो दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। और जहां तक पिंपल्स की बात है, सी मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपका जो चेहरा होता है वो आपके पेट का आईना है, तो अगर चेहरे पे पिंपल्स बहुत हैं कोई भी कारण से, आपका स्टमक मेटाबॉलिज्म, एंड फॉर गर्ल्स योर हार्मोनल इम्बैलेंस जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ये दो चीज इफ यू मेक श्योर दे बोथ आर फाइन, देन इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको पिंपल्स। Okay. अच्छा, कौन से वेसल में खाना पकाना चाहिए? आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पीतल की कलाई करा हुआ बर्तन, अपने जो पूर्वज करते थे वही, पीतल की कलाई करे हुए बर्तन में ही खाना पकाना चाहिए। जहां तक खाना तलने की बात है, तो
लोखंड के लोखंड की कढ़ाई में तलना चाहिए, तलने का जो भी काम है वो लोखंड में, पकाने का जो भी काम है वो पित्तल की कलाई करे बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में। तो जो आपका जो लोखंड की तवी होनी चाहिए या मिट्टी की तवी होनी चाहिए, जो कुकिंग तेल घी का जो सब कुकिंग का काम है वो पित्तल की कलाई करा हुआ बर्तन होना चाहिए। और जो आजकल सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है दैट इज दैट नॉन स्टिक कुकवेयर। तो प्लीज प्लीज प्लीज, एंड आयुर्वेद में एल्युमिनियम को जहर बोला गया है। दोज पीपल हु आर यूजिंग योर एल्युमिनियम फॉइल टू रैप योर रोटी, रोटी के सारे गुण गायब कर लो। सो स्टे अवे फ्रॉम एल्युमिनियम। घर घर में एल्युमिनियम की परात आ गई। पानी तो पक्का बॉइल्ड वाटर पीते हैं पर उसको ठंडा करते हैं एल्युमिनियम की परात, पानी को जहर बना रहे हो। एल्यूमिनियम नहीं और नॉन स्टिक वेसल्स भी बिल्कुल, ऑल्दो वो बड़े टेम्पटिंग होते हैं लेकिन से नो टू देम आल्सो। एंड जो माइक्रोवेव, कोटिंग होती है इट इज द रूट कॉज ऑफ, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कार्सिनोजन। अच्छा, जो कैंसर अभी इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट माइक्रोवेव्ड फूड? नॉट एट ऑल, बेटर बेटर टू हैव दैट कोल्ड फूड देन टू रीहीट। यस, ओके। अगर आपको रीहीट भी करना है तो उसी पित्तल की कलाई करे बर्तन में आप सब्जी फिर से गर्म कर दीजिए, बट माइक्रोवेव मत करिए। वाइट डिस्चार्ज एक कॉमन प्रॉब्लम होता है लेडीज में, व्हाट टू डू फॉर इट? सो देर आर टू सिंपल सॉल्यूशंस। एक तो चावल धोए हुए पानी, जो धोन पानी मैंने आपको पहले भी बताया चावल का। उसके अलावा केला, पक्का केला, उसमें थोड़ा सा घी और इलायची मिला के खाइए। थोड़े दिन रेगुलर खाइए, वाइट डिस्चार्ज गायब हो जाएगा। नेताजा जी, वी आर एट 4:27। इफ यू वुड लाइक टू रैप अप द सेशन एंड इफ देर इज एनीथिंग स्पेसिफिक लेफ्ट नाउ। ओके, सो आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने बहुत कम टाइम में दे दी, लेकिन ये टॉपिक इतना वास्ट है कि आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रह गए होंगे। बट वी कैन, हम जरूर शेयर करेंगे आपका लिंक सबके साथ जो वो और आपके सेशन सुन पाए, आपका फेसबुक पेज पे वो और अपडेट्स ले पाए और डिटेल्स जान पाए आयुर्वेदा के लिए। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। पूजा जी को आप कभी नाड़ी, जब मैंने उनको नाड़ी देखते हुए देखा था तो मेरे को लगा था कि ये कोई मैजिशियन है जो मैजिक जानती है या ये भगवान है जो अंतर्यामी है। कैसे नाड़ी देख के हमारे शरीर के बारे में हमसे ज्यादा बता सकती हैं। तो ये दिस इज लाइक अ मार्वल ऑफ नेचर। और आप आपकी एक्सपर्टीज है इस सब्जेक्ट में। जो लोग अहमदाबाद में हैं वो बहुत लकी हैं, वो आपको पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं और हम जैसे आपके सेशंस अटेंड करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आपसे। बट प्लीज कीप अस इंफॉर्म्ड आपके जो भी सेशंस होते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए। एंड आई थिंक वी आर नाउ प्रिपेयर्ड टू लीड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। आई एम सो श्योर, अब दैट, आप खड़े खड़े बच्चों को पानी नहीं पिलाओगे। और एक हाँ बहुत सिंपल चीज जो माएं गलत कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पे लेडीज ज्यादा, आई वांट टू से, फ्रूट के ऊपर पानी नहीं पिलाना है। तो जब भी आप आपके बच्चों को फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट के ऊपर पानी पिलाते ही कफ करता है, तो मेक श्योर आप कुछ भी नमकीन, कुछ भी एक चीज और खिला के फिर पानी पिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक सो यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली हम्बल्ड। सभी थैंक यू, प्रणाम। से सादर जय जिनेंद्र। हमसे कोई भी भूल हुई हो, आपके क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए हो, उसके लिए सॉरी। बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड होपफुली हम आगे भी पूजा जी के सेशन देखते रहेंगे। थैंक यू टू एवरीवन। वेलकम।